हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुपसर मैथ्स। मैं अनुप सिंडांगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, एक टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चा लोग क्या पढ़ेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। अब ये क्यूबिक क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। पॉलिनोमियल का तो हमें पता है कि सर दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए एक्सप्रेशन, दूसरा उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव में होनी चाहिए, बट हाफ और ये नहीं होनी चाहिए। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से डिस्कस किया था। तो क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3, मीन्स उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3। तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 0, ये 4 टर्म्स मैक्सिमम हो सकती हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। और इसको हम अगर एक्स ले रहे हैं तो एफ एक्स से, पी एक्स से, जी एक्स से, क्यू एक्स से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टी एक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट होंगे तो ए हो सकता है कोफिशियंट, बी, सी और डी, और हम प्लस का साइन अज्यूम करेंगे बिकॉज सर डी की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, सी की वैल्यू माइनस में ले लेंगे। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेचा लोग, देखो एक बार, सी एक्स प्लस टी। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की, कि ऐसा तो दिखेगा ही दिखेगा। अब इसके अंदर एक कंडीशन लग सकती है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो या ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की पावर 3 वाली टर्म तो होनी चाहिए, बाकी चाहे नहीं हो चलेगा। ठीक है ना, जैसे अगर 4x की पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बट 1 टर्म में। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर जीरोज कितने होंगे, यस और नो? कोफिशियंट्स तो हमें पता है, एक्स की पावर 3 का कोफिशियंट ए है, एक्स की पावर 2 का कोफिशियंट बी है, एक्स का कोफिशियंट सी है और कॉन्स्टेंट टर्म डी है। तो इसके जीरोज कितने होंगे? तो आप बच्चा लोग खुद ही बताओ मुझे कितने जीरोज होंगे इसके। यस सर, जितनी डिग्री उतने जीरोज। तो इसके कितने जीरोज होंगे? 3। तो 3 में से हम अल्फा ले लेते हैं एक को, दूसरे को बीटा नाम दिया है और थर्ड वन को गामा नाम दिया है। वी टाइप में होता है और बुक के अंदर थोड़ा गामा वाई टाइप में दिखा हुआ है, तो ऐसा ही कुछ है। इसको थोड़ा सा पास में कर देंगे तो वैसा ही कुछ बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर, गामा नहीं लिखना था, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल प्रैक्टिस बताता हूँ, ऐसे वी लेना और उसको ऊपर कर देना, तो दिस इज गामा। अब ये 3 क्या है? जीरोज है। तो ऑब्वियसली इसके इस पूरे पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हुए होंगे, जिसमें से एक होगा एक्स माइनस अल्फा, एक होगा एक्स माइनस बीटा और एक होगा एक्स माइनस गामा, और साथ में हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं के। ये सुनो, तो ये 3 फैक्टर है, कांस्टेंट कोई भी के हो सकता है, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में समझा था कि के क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से तुम इसको कहोगे सर एफ एक्स। अब इससे इसको कंपेयर किया तो एक्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली, जो आपको पेज नंबर 2.36 पे मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करने इजीली एक्स की पावर 3 बनेगी ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई क्यूब होगा और के आ जाएगा। अब हमें जो डिस्कस करना है वो इम्पोर्टेंट है, कि रिलेशनशिप कैसे याद करें। तो हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था उसमें क्या पढ़ा था? सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ जीरोस, फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दो चीजें हमने पढ़ी थी, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, बट यहाँ पे दो चीज़ों ना होके तीसरी चीज भी आ गई, सम ऑफ द जीरोज एट ए टाइम 2 ना, प्रोडक्ट ऑफ 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। इस बात का क्या मतलब है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज एट ए टाइम 2 एट ए टाइम 2। इस बात का क्या मतलब बेटा? कि देखो सम करना है प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज का एट ए टाइम 2 जीरोज, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना, एट ए टाइम 2 बोल सकते हैं या 2 एट ए टाइम बोल दो, एक ही बात है, या जीरोज 2 एट ए टाइम। अब इस बात का क्या मतलब है कि देखो 3 प्रोडक्ट है, सॉरी 3 जीरोज है, अल्फा बीटा एंड गामा, या सुनो। तो पहले हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, प्रोडक्ट हो गया, फिर बीटा गामा हो गया और फिर गामा अल्फा हो गया, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो इन तीनों का प्रोडक्ट ये बन गया। ये बस नई चीज़ है हमारे लिए, ध्यान रखना ये इन दोनों के बीच में आता है, पहले सम फिर प्रोडक्ट
ध्यान रखना है, बस रटना नहीं है, ध्यान रखना है कि काम आ जाए हमारे। अब देखो जब हम सम करते थे, तो मैं इसको रिलेट करने की बातें करता हूँ। सबसे पहले याद रखना कि सबके डिनोमिनेटर में ए होता है, कोफिशियंट ए सबके डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है ना। अब ये बात याद रख लोगे तुम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो सम ऑफ द जीरोज में सर यहाँ पे ऊपर तो ए किसी के नहीं आएगा, तो बचा कौन, बी फिर सी और फिर डी। कंटिन्यू लिख दो बेटा, बी सी एंड डी कंटिन्यू लिख दिए। अब प्लस माइनस के साइन में स्टार्ट हो गए, तो सर देखो प्लस तो हमने फॉर्मूले में यूज में ले लिया था, तो माइनस बी अपोन ए, उसमें भी क्या होता था माइनस बी अपोन ए, तो यहाँ पे माइनस, सी हमेशा प्लस रहता है और डी हमेशा माइनस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला सा कुछ बोल सकते हैं हम, फॉर्मूला टाइप बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो थ्री टाइप्स का रिलेशन हो सकता है, या तो जीरोज का सम कोफिशियंट के साथ रिलेट कर सकता है, या सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू एट ए टाइम वाला, कि मतलब दो जीरोज का प्रोडक्ट ऐसे करके हम थ्री पेयर बनाएंगे दो दो के, और उन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब ये तो बात थी ओनली किसकी, क्यूबिक की। अब अगर आप पेज नंबर 2.37 देखो, क्या देखो बेटा 2.37, इससे पहले एक बात लिखी हुई है, वो हम जब एग्जांपल्स करेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी उसका थोड़ा सा हम, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना बेटा वो जब रिक्वायर्ड होती है तभी समझनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ना। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगी तब हम अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं 4 डिग्री का पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4, मतलब जिसमें डिग्री 4 होगी तो वह कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स में ही हो सकता है, ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की पावर 3, सी एक्स की पावर 2, डी एक्स की पावर 1 एंड प्लस ई, ये सुनो। तो इसमें क्या हो सकता है, सम ऑफ जीरोस, तो इसके क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा और एक ले लेते हैं डेल्टा, ऐसा होता है, पर नीचे 8 का ऊपर वाला हटा दो इधर वाला, ठीक है ना, डेल्टा बन जाएगा। क्या नाम मिला, डेल्टा, डी ई एल टी ए डेल्टा, ठीक है ना। वैसे तो तुम्हारे CBSE कोर्स में नहीं है, 10th क्लास की बुक के अंदर थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम थोड़ा सा बस ये है कि आइडिया तो हो ना क्या क्या पढ़ रहे हैं, अगर आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं तो आइडिया तो होना चाहिए हमें। और यहाँ से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हो सकते हैं अपने 4 जीरोस, तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, तो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम नहीं होता बेटा, यहाँ पे होता है 3 और 2 दोनों, ठीक है ना, 2 भी होता है और लास्ट में 3 भी होता है। कैसे, अगर हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा, चार हो गए ना, 4 पेयर बन गए दो दो के। अब इनका क्या होगा, सी अपोन ए, बी सी, फिर कौन आएगा, डी, और पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब क्या आएगा, 3 वाला कौन कौन हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा प्लस फिर बीटा गामा डेल्टा, एक लॉजिक है बेटा ये, कुछ वैसे नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी बात हो गई, यहां तक पहुंच गए, फिर डेल्टा ले लो, सॉरी गामा डेल्टा अल्फा प्लस। अब इसको भी तो एक बार दे देते हैं पावर ऑफ अटर्नी, डेल्टा अल्फा और बीटा, 4 आ गए। बुक में चेक कर सकते हो बेटा आप, पेज नंबर 2.37 के ऊपर है ना, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ से सर ये देखो चारों 3-3 के पेयर्स बनाए, प्रोडक्ट, इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 एट ए टाइम, है ना, बोला नहीं है बट ऐसे हम बना सकते हैं। अब यहाँ से डी आता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, फिर कौन बचा, ई अकेला बचा, तो उसमें क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, दैट इज ई अपॉन ए प्लस में आएगा, यस। तो ये तो था हमारा इनका। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चेंज मिल सकता है, इसमें चेंज मिल सकता है, इसमें चेंज, कुछ कॉमन लेके कर लिया होगा, ठीक है ना, क्या करके, कॉमन लेके कर लिया होगा। तो ये तो थे हमारे बेसिक्स, कि हमें ओनली पढ़ना तो क्यूबिक का था बट 4 डिग्री का दे रखा था, तो हम डिस्कस कर लेते। एक रिमार्क गिवन है हमें, उसमें क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे पूरे एग्जाम्पल्स में। इफ़ फॉलोज फ्रॉम द अबो डिस्कशन, ऊपर वाले डिस्कशन से हम क्या कर सकते हैं, दैट ए क्यूबिक पॉलीनोमियल हैविंग अल्फा बीटा गामा एज इट्स जीरो इज गिवन बाई
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ये वाला, यहाँ पे मैंने लिखा था ना एफ एक्स वाला, वो हमें अगर गिवन हो, मैं इसको इरेज कर दूँ बेटा। हाँ क्योंकि पढ़ ही रहे तो अच्छे से पढ़े, फिर तुमने अगर मन में आ गया हमारे पढ़ने की तो पढ़ ही लो फिर। तो बेटा लोग क्या करना है हमें, अगर हमें कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल है वो फैक्टर की फॉर्म में गिवन है, किसकी फॉर्म में बेटा, फैक्टर की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स है तो के तो कॉन्स्टेंट होता है, वो हो भी सकता है वन हो सकता है या फिर वन के अलावा कुछ भी, जैसे एक्स टू एक्स माइनस फोर एंड थ्री एक्स माइनस सिक्स, ऐसे कोई फैक्टर बन गए फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें से तुम टू कॉमन ले सकते हो दैट इज एक्स माइनस टू, उसमें से थ्री कॉमन ले लिया दैट इज एक्स माइनस टू, यहाँ से थ्री टू जै सिक्स हो गया, ये एक्स माइनस टू हो गए और ये भी एक्स माइनस टू। तो देखो दो फैक्टर बने हैं क्वाड्रेटिक का बताया मैंने, और उसमें से एक कॉन्स्टेंट नंबर भी बाहर है, अंदर भी हो सकता था बाहर भी। तो ये जो सिक्स है ना, ये सिक्स ये क्या है, ये हमारा के है बेटा। तो ऐसे अगर थ्री फैक्टर होते उसमें से किसी एक में से, जरूरी नहीं है दोनों में से कॉमन आए, एक में से भी कॉमन आ सकता था तो भी टू मल्टीप्लाई में रहता तीनों के, टू बाहर आएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, इसके भी है इसके भी है। अरे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो ना, आया भी था हमारे ऐसा है ना, और कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो ये रही वो कंडीशन, क्योंकि ये थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि सर ये के कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं है ना, इसलिए। तो दैट इज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, दीज आर थ्री फैक्टर्स ऑफ एनी क्यूबिक पॉलीनोमियल इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस। तो इससे हम पॉलीनोमियल कैसे बनाए, कौन सा क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो देखो इसने एक फॉर्मूला गिवन किया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द जीरोस माइनस में रहेगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स के साथ रहेगा, टू वाला ये वाला एक्स के साथ रहेगा, और जो प्रोडक्ट है एक्स अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट है वो देखो माइनस में है तो वो माइनस के साइन के साथ, सम ऑफ द जीरोस माइनस के साथ है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देन क्यूबिक पॉलीनोमियल एफ एक्स इज के, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड एक्स की पावर थ्री सिंगल, उसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, कोफिशिएंट नहीं होगा, माइनस सम ऑफ जीरोस ओके प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम इंटू एक्स। अब बता कौन, ए आ गया बी आ गया सी आ गया, डी कौन है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू एनीथिंग नॉट नथिंग ओके। तो ये अगर तुम्हें पता हो कि सम ऑफ जीरोज क्या है पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलीनोमियल के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू एट ए टाइम क्या है मल्टीप्लाई विथ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो तुम डायरेक्टली क्या बना सकते हो, यस क्यूबिक पॉलीनोमियल बना सकते हो। हमने ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन किया भी था, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, याद आ रहा है कुछ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में पढ़ा था, जब हमें सम ऑफ द जीरोस गिवन थे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डायरेक्ट गिवन थे, तो हम बी और ए की वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकती है, सर सम ऑफ द जीरोस में भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, तो एक्स एलसीएम लेके हम सोल्व कर सकते हैं, ये भी में भी एलसीएम फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें एलसीएम की थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वरना डायरेक्ट हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे ही फाइंड आउट करते हैं वो भी एक टॉपिक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का बेसिक्स का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके और फिर फर्दर हम पढ़ ही रहे हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक कुछ नया सीखते रहो इम्प्लीमेंट करते रहो, थैंक यू।